हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का न्यूमेरिकल है जिसमें हम कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइसोल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज दिस, फॉर NaCl इज दिस, एंड फॉर CH3COONa इज दिस। हमें एसिटिक एसिड की फाइंड आउट करनी है, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, CH3COOH। इसकी मैंने मोलर कंडक्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। और जब भी हमें इसकी फाइंड आउट करने के लिए कहा होगा और NaCl दिया होगा, एसिटिक एसिड की जगह किसी और का भी दिया हुआ है, अगर उसमें NaCl का दिया हुआ है, सो उसको हमने माइनस करवाना है इन दोनों के एडिशन में से। सो इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने किसकी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की निकालनी है ना। सो इसका फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा इसके लिए, HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COONa माइनस मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl। ओके, सो HCl की कितनी गिवन है मुझे, 425। इसकी कितनी गिवन है मुझे, 96। माइनस NaCl की मैं जो है वो माइनस करवा लूँगी, तो इसे माइनस करके मेरा आंसर आया, मेरा माइनस करके 333 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो ये मेरे पास जो है वो मोलर कंडक्टेंस निकल के आई है किसकी, एसिटिक एसिड की, जिसमें हमने क्या किया है, इन दोनों को एडिशन करवा दिया जो मुझे दूसरे दो दिए हुए थी, और मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दी NaCl वाले की। तो किसी में भी अगर आपने ये निकालनी है, NaCl दिया है तो उसे सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, बाकी दो को ऐड करवा दीजिए। सो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।